क्रीमिया पर अतिक्रमण की कोशिश, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, बोला रूस। अरब सागर में ONGC के हेलीकॉप्टर की हुई आपातकालीन लैंडिंग, अब तक 6 लोग बचाए गए। ट्विटर ने UN, तुर्की, ईरान व मिस्र स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अकाउंट भारत में किए बैन। 100 मिलियन हुए एलन मस्क के ट्विटर पर फॉलोअर्स, छठे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बने मस्क। ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ हॉकी विश्व कप विजेता और भारतीय टीम के सदस्य रहे बरिंदर सिंह का हुआ निधन। सिद्धू मूसेवाला के गानों को लीक करने वालों पर हुआ केस। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी बेहद चिंताजनक, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, एडिटर्स गिल्ड। मेरे पास सबूत है कि शिकायत राजनीतिक कारणों से की गई है, रेप केस पर सोनिया के निजी सचिव। आप में से कई हमारे संपर्क में, आइए रास्ता निकालें, शिवसेना के बागी विधायकों से उद्धव। हम जल्द ही मुंबई लौटेंगे, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। ईडी ने संजय राउत को जमीन घोटाला केस में भेजा दूसरा समन, 1 जुलाई को पेश होने को कहा। आकाश अंबानी रिलायंस जियो के बने चेयरमैन, मुकेश अंबानी ने निदेशक पद से दिया इस्तीफा। परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, आयोग ने आवेदन की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2022 की निर्धारित। हाथापाई के दौरान पंजाब में पुलिसकर्मी ने शख्स को मारी गोली, सामने आया वीडियो। बिहार के टीचर ने स्मार्ट क्लास में अश्लील गाना चलाकर छात्रों के साथ देखा, सामने आया वीडियो। मध्य प्रदेश में पेड़ से निकली जलधारा तो लोगों ने माना चमत्कार, शुरू की पूजा अर्चना। हास्य कवि सुरेंद्र ने एक कलाकार के निधन की खबर पर अपनी फोटो लगने के बाद जारी किया बयान। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पुल से गंगा नदी में बुजुर्ग महिला द्वारा छलांग लगाने का वीडियो हुआ वायरल।